हेलो फ्रेंड्स, आज हम एचपी डिजाइन जेट P830 में इनकोडर स्ट्रिप जो आती है हेड की, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम हेड का है या इनकोडर का भी चेक करेंगे हम। जो एरर कोड आ रहा है 0942 आ रहा है और 0042 आ रहा है, जो ऑनलाइन चेक करने पे हमारे हेड की जो इनकोडर स्ट्रिप आती है उसका प्रॉब्लम आ रहा है। ये देखिए, हमारे पास एक इनकोडर स्ट्रिप है, इस इनकोडर स्ट्रिप का फॉल्ट आ रहा है, हम इसे चेंज करेंगे। मेरे पास जगह की कमी होने की वजह से ये मशीन को हम आधी इस पे रखेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसके कार्ट्रिजेस निकाल लेंगे। इसके बाद इसके बैक पैनल के स्क्रू, उसके बाद ये कवर निकाल के, यहाँ पर एक स्क्रू है इसका, इसके बाद ये नीचे जो कवर आता है इसको इस तरीके से उठाना पड़ेगा। बाहर ले इसको, इधर सरकाओ, नहीं टेबल सरकाओ, नीचे से टेबल पकड़ के, हाँ खींचो 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 खींचो। थोड़ा सा नीचे से बाहर खींचना है। इसके बाद यहां नीचे एक स्क्रू है, यहां पर एक स्क्रू है, इसको बाहर खींचना है। ये स्क्रू निकालने के बाद ये हमारी इनकोडर स्ट्रिप है। यहां से हम इसको लूज करेंगे। ये देखिए, ये स्प्रिंग निकल चुका है। इसके बाद यहां से हम हाथ डाल के ये देखिए, ये हुक में है फंसे हुआ, उसे ऐसा करके ऊपर खींच लेंगे। इसके बाद हम इसे यहां से, ये हमारी इनकोडर स्ट्रिप बाहर आ गई है। यहां पे देखिए दोस्तों, इसकी जो कोडिंग होती है वो पूरी वाइट हो गई है यहां पर इतने हिस्से में, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है।
हमारी जो दूसरी स्ट्रिप है ये भी ओल्ड है, लेकिन थोड़े दिन चलेगी ये भी, क्योंकि नवी इसकी 2,500-2,500 रुपये की है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए दोनों का फर्क, ये यहाँ पर पूरी घस चुकी है और यहाँ पर ये अच्छी है। तो अब हम इसे लगाएंगे। ये देखना है हमें, ये जिस साइड से फोल्ड है ये यहाँ पर ऐसी बैठेगी, तो हमें इस साइड से पूरा आना है। ये जो इमोजीज बने हुए है, ये इमोजी जो बना हुआ है ये ऐसा लगना चाहिए, इस तरीके से जाना चाहिए। इसके बाद हम इसे पुराएंगे यहाँ से, थोड़ा हम इसमें हवा मार लेंगे पंप के जरिए। अब हम इसमें से इसे पुराएंगे। पहले हम इस साइड से पुरा लेंगे। आ जाए, ये देखिए, पहले हमें ऐसा लगा के इसमें अटकाना है, ऐसा लगा के और फिर सीधा करके खींच लेना है। ये देखिए, इधर से खींचो उसको, वैसे पकड़ो। अब इसे हम इधर से पुरा के, ये देखिए, ये हमारा इनकोडर स्ट्रिप लग चुका है। अब हम इसका कवर लगाएंगे।
उसके बाद इसे लगाएंगे, पहले ऊपर के लगाएंगे हम इस तरीके से। कार्ट्रिजेस लगा दिया हूं मैं, अब उसके बाद हम उससे पहले हमें ना इनकोडर स्ट्रिप एक बार साफ कर लेंगे साबुन का, थोड़ा सा टिश्यू पेपर पे साबुन का पानी लगाएंगे हम, एक तरफ हिट कर लेंगे हम, साफ इस वास्ते करना है हमें ताकि बिठाने में जो हमारे हाथ से गंदगी लगी हो, ग्रीस लगा हो, जो ये रॉड पे रहता है वो साफ हो जाए। ये देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा पलटा लेंगे फिर से एक बार, ये देखिए। अब हेड को ढक्कन थोड़ा सा बंद करके हेड को इधर कर लेंगे ताकि ये लॉक ना कर दे हेड को। इसके बाद हम बचे हुआ हिस्सा जो इधर का है इसे भी साफ कर लेंगे। पूरा अब साफ हो चुका है। अरे क्या तो कर, चलो चलो उसको दो प्रिंट आउट हो जाएगा। और प्रिंटर हमारा रेडी हो चुका है, इसमें हम एक बार हेड क्लीन कर लेंगे।
नोजल चेक, हम A4 पेपर पे पहले प्रिंट डायग्नोस पेज, प्रिंट हेड, क्लीन प्रिंट हेड, हेड क्लीन हो चुका है हमारा। अब हम उसकी डायग्नोस पेज निकालेंगे मल्टीशीट ट्रे से A4 की। ये देखिए, तो दोस्तों आज हमने HP T830 का इनकोडर स्ट्रिप चेंज किया है, जो एरर आ रहा था है, हमारी टेस्ट प्रिंट भी नहीं निकल रही थी और एरर दे दे रहा था। हमने वो आपको चेंज किस तरीके से करना है वो बताया है, और हेड क्लीन करने के बाद ये हमारी प्रिंट आ चुकी है। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बाबा फिक्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।